क्या माल है, कमाल की चीज है यार। कॉन्डोम्स की जरूरत नहीं है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज की लड़कियां, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इन्हें एड्स नहीं होगा। क्या रे, हाँ क्या बकवास कर रहा है यहाँ रात को 12 बजे क्या कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मैं DIG की बेटी हूँ, दोबारा अगर छेड़ोगे तो अंदर करवा दूंगी। अंकल बाहर मुझे काम है, आप खाना खा लीजिए। अंकल आप खा लीजिए, मैं बाहर खा लूंगा। हेलो, कोई यूपी वाला लगता है। टाइम क्या हो रहा है? रात का 1 बजा है। रात के 1 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिस्को से आने वाली लड़कियों को छेड़ने के लिए खड़े हो? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है? तुम्हारा बाप चाहे जो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने मुझे लॉकअप में डाल के अच्छा नहीं किया तुम्हारा। मैं अभी भी कहती हूँ कि हमें छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि मेरे पापा कौन है, अगर उन्हें पता चल जाएगा ना तो तुम्हारा। हाँ, तुम लड़कियों को लॉकअप में क्या कर रहे हो? मैं पहले यहाँ आया, बाद में आप लोग। केस क्या है? पहले तुम बताओ कि तुम्हारा केस क्या है। ये क्या कर रहा है औरत और इसका रेप? सॉरी, मैंने किसी का रेप नहीं किया, एक औरत ने मेरे साथ रेप किया। एक औरत ने तुम्हारे पे रेप किया? मैं शराब के नशे में था, उस हालत में पता नहीं उस औरत ने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या तुम उल्टी कहानी सुना रहे हो? ये कोई टीवी सीरियल की कहानी नहीं है। क्या एक औरत ने रेप किया और जेल में डाल दिया? पुरानी कहावत तो तुमने सुनी होगी, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर, कटना तो तरबूज को ही है ना। मर्द भी तो एक तरबूज की तरह है ना। अब आप लोग बार बार मेरा बलात्कार मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बलात्कार? ए चुपचाप अपना मुंह उधर कर लो वरना गला दबा दूंगी। नहीं। नहीं 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 नहीं। केस के बारे में कुछ वर्कआउट किया क्या? मतलब वो मॉर्निंग सर। तुमने मेरी बेटी को अरेस्ट किया क्या? ये आपकी बेटी है सर? हाँ मेरी। ये आप जैसे ऑफिसर की बेटी होकर इतनी रात को घूमती होगी, ये मैंने सोचा नहीं था सर। वजीर इनको छोड़ दो। आई एम सॉरी सर, सॉरी। ए रुक जाओ। चलो बेटी। डैडी ये जब तक सॉरी नहीं कहेगा मैं नहीं आऊंगी। जाने दीजिए ना सर, कह देता हूँ सॉरी, उसमें क्या है? क्या रे, तेरे को सॉरी बोलो? आई लव यू कह दिया सर। अब आप जाइए मैडम। डैडी मुझे आई लव यू बोल रहा है। मैंने क्या कहा? आई लव यू। डैडी इसने मुझे वापस आई लव यू बोला। क्या मैंने आई लव यू कहा? आई लव यू नहीं सर, मैंने तो सॉरी कहा। क्या वे, मैंने आई लव यू कहा? देखा सर। बेटी मैंने कहा ना जल्दी यहाँ से चलो। जाइए मैडम, फिर मिलेंगे। क्या कर लिया तेरे बाप ने? कुछ कर पाया? जाओ अब। नमस्ते जी सर। कैसे हैं? कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद दिखे। अच्छा, बात चलते हैं। कौन है ये? ये इंस्पेक्टर का रिश्तेदार है, राज घराने से अब यहीं सेटल हो गया है। कौन सा गांव? पत्नी हूँ मेरी, और सुन ले मेरी पत्नी की हैसियत से रहो। इस तरह अगर तुमने गैर मर्द की ओर देखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बड़े भाई ने बुलाया। वो वापस आएगा इस गलत फहमी में, मत रहना तुम, बोल जाओ। इसी में भलाई है। सुनो भाई, आजकल लेडीज लोगों का सपोर्ट बढ़ गया है, इसके लिए लेडीज को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर हाथ उठाना है तो सोच समझ के उठाना चाहिए, मर्द के ऊपर उठाइए। ये सजेशन मुझे दूर रहकर देना चाहिए था।
नमस्कार सर, मेरा नाम कल्लू रामन, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ इस बार के इलेक्शन का। अगर आप मुझे टिकट दिला दें तो मेहरबानी होगी। 1 करोड़ खर्च कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ मैं। तो ठीक है, मैं दिल्ली में टिकट के लिए बात करूंगा। हाँ, मगर तुम्हारे अपोजिट में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारे टिकट का काम संभालेंगे, सब सेटअप हो जाएगा, समझे? क्या? लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक लड़की का इंतजाम करना होगा। तुम्हारी उम्र क्या है? यही 20 के आसपास। मगर मुझे 40 के लग रहे हो। अरे नहीं, अभी तक मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। कुंवारे हो? हाँ, तब तक मैंने लड़की को हाथ भी नहीं लगा। लगता है तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलो जाकर। नहीं, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजर। हाँ सर, मेरी बात ध्यान में रखना। बहुत प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स कॉलेज में आने से डरते हैं। कंप्लेन करती हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता है। हमारे कॉलेज में पहले ही टीनेजर्स लड़कियाँ हैं, यहाँ के लड़के उन्हें छेड़ते हैं। आपने जिस इंस्पेक्टर को केस दिया है ना मैडम, वही लड़कियों को छेड़ता है। सबसे बड़ा टपुरी तो यही है, यह रोमिया हमें क्या बचाएगा? इधरा। क्या? मैंने कहा ना इधरा। क्या है? ऐसी आधी अधूरी ड्रेस पहनकर कॉलेज जाओगी तो लड़के छेड़ेंगे नहीं? जो तुम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए वो तुम लोग यहाँ खुलेआम दिखाती फिर रही हो। मोनालिसा, तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1982। तुम्हारे स्कूल में जाने होने का डेट? 1987। टेंथ क्लास पास होने का डेट? 97 अप्रैल। और मैच्योरिटी का डेट बता? बताओ बताओ बताओ, भाई को गुस्सा आएगा। बताओ 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 भाई, इस डेट में तुम्हारा ग्रीटिंग भी जाएगा। बोलो मोनालिसा, बोलो। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो ना। कौन है रे तू, क्या काम है रे तेरा यहाँ पे? हीरो, हीरो बाप, हीरो। देखा तो मालूम नहीं हो रहा, देख अब लड़कियों को बचाने को आया। देख ए हीरो, चल तेरा काम देख ले, चल जा जा, तेरा काम देख। आई एम सॉरी। तेरा रास्ता ना, अब जा जा। बोलो, अन्ना का जवाब नहीं दिया अभी तक? रेप वेप हमको नहीं आता, ऐसा सोचकर हमको छक्का मत समझना। इरिटेट किए तो कुछ भी कर डालते। अरे ठहरो ठहरो, ए गाड़ी पे पेट्रोल डाल रहे। ए अरे अरे जल जा। अरे भाई भाई क्या कर रहे हो यार, गाड़ी पे पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? हीरो की तरह मार रहा है। तुम लोग फालतू बकवास बंद करो। Thank you.
चलता हूँ मैं। जरा जोर से बोलो बेटा। अब इससे ज्यादा जोर से और क्या बोलूं मैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर आप चंद्रा किशोर रेड्डी है ना? नहीं भरत, क्यों पूछ रही हो? आप महाराष्ट्र के है ना? पहले था, अब नहीं। हमारे गांव में आपकी मूर्ति है सर। मेरी? बिल्कुल आप ही के है सर। लोग कहती है कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार MTR जैसी है। ये मूर्ति शायद उनकी हो। तुम किस गांव की हो? मैं कोल्हापुर की हूँ सर। यहाँ क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई के लिए आई हूँ। ओहो, तो ठीक है, मन लगा कर पढ़ो। कैसे? चलो बताता हूँ, आओ। सत्य शेट्टी, भरत यहाँ पर है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? तो मुझे वचन दो, वचन दो, जल्दी। हेलो, मैं हिंदी फिल्मों में म्यूजिक देना चाहता हूँ। आपने कौन कौन सी फिल्मों में म्यूजिक दिया है? मैंने कहा करना चाहता हूँ, किया नहीं हूँ। मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए आया था। मेरा नाम हैप्पी लहरी है, हिंदी फिल्म में म्यूजिक करना है। मैं कौन हूँ मैंने बता दिया, आप क्या करते हैं ये बताइए। मैं फालतू में घूमता हूँ। मैं हवा में घूमता हूँ। मैं समझा नहीं। मुझे लगा आप हवा में घूमते होंगे। कैसा लगा मेरा जोक्स? बेकार में तबला मत बजाओ। अरे पागल है, पता नहीं कहाँ जा जाते हैं। मैं भी अभी आई हूँ। ए ऐसे क्या देख रहे हो? लाइन मार रहा हूँ। क्या? लाइन मार रहा हूँ, दूर से दिख नहीं रहा था इसलिए पास आकर देख रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बहुत डेरिंग है। एक थप्पड़ मारूंगी। चप्पल से मार खाना मिले नया नहीं है। छी छी, कितनी गंदी बातें करता है। चल जाओ, मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नमस्ते, बैठिए। क्या बात है शर्मा जी, दामाद भी ढूंढा तो SP IAS क्यों नहीं? अरे शर्मा जी बहुत चालाक हैं, एक तीर से दो निशाना लगाया इन्होंने। कैसी हैं आप? क्यों दिखाई नहीं देता? क्या खाक दिखाई देगा, सब कुछ तो ढका हुआ है। हाँ। जब प्यार से अच्छी बातें करोगी तो खूबसूरत लगोगी, और बेकार की बातें करोगी तो बेकार लगोगी।